कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और मैं खड़ी हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 9 के शिवमपुरा में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उनके कार्यकाल में यहाँ की जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो 5 सालों में क्या क्या उन्होंने काम किया, आइए जानते हैं जनता के जुबान जनता से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रामपाल है। सर थोड़ा अपना, क्या आप तेज बोल सकते हैं? रामपाल। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि अब गाजियाबाद में इलेक्शन होने वाला है निगम पार्षद को लेकर के, तो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का ये है, जो भी कंप्लेंट गई उन्होंने पूरी नहीं करी। सर किस तरह की कंप्लेंट गई, कौन सी दिक्कत थी जिसको लेकर के आपने यहाँ के निगम पार्षद को कंप्लेंट की है? शिवर में पानी, शिवर का पानी नाली में आता है। अच्छा, उसको कंप्लेंट लिख के भी दिया, वैसे भी बोला, कोई सुनवाई नहीं करी। तो यहाँ के पानी को लेकर के समस्या थी आपको? पानी की जी, ना पानी तो नाली की समस्या थी कहीं। अच्छा अच्छा, जो शिवर का पानी नाली में आ रहा। अच्छा, उनकी कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई तो हुई नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के क्या क्या काम किया गया है? साफ सफाई तो कर सही हो रही है फिर भी। अच्छा, जो जो उन्होंने वादे किए थे, जितना 5 साल के अंदर हम ये वादे कर ये काम करेंगे, क्या वो सारे काम इन्होंने पूरे किए हैं? पूरे काम कौन करता है सारे काम मैडम? तो आप ये बताइए कि क्या क्या उन्होंने काम किया है आपकी बार? मेरी जानकारी में तो कोई साफ सफाई तो सही है, पर और दो चार कंप्लेंट नाली पाली की गई या शिवर की गई, वो तो उन्होंने कुछ कर। तो मतलब आप उनके काम से खुश है? खुश किया, खुश क्या, जब काम सही ना हुए तो। अच्छा, तो आप ये बताइए अब की बार कि आप चाहते हैं कि दोबारे से यही यही जीते अब की बार? मेरे एक एक लिखे कहने से क्या होगा, वो तो पब्लिक की पब्लिक का मत है वो तो। अच्छा नहीं, आपका क्या क्या राय है कि आप चाहते हैं इनको या फिर किसी और को आप अब की बार वो देंगे कि अब की बार दूसरी सरकार आए? सरकार तो बदलनी चाहिए, और क्या। अच्छा, जैसे कि आपने देखा इनका कहने का मतलब था कि जितने भी उन्होंने वादे किए वो वादों को उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो आइए खैर और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। चलिए हम आ पहुँचे हैं सिब्बनपुरा की गलियों में और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से राय कि यहाँ के जो निगम पार्षद है उन्होंने कितने काम किए और कितने काम नहीं किए, यहाँ की जो जनता है वो निगम पार्षद को लेकर के कितनी संतुष्ट है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ क्षेत्र के निवासी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? अजीत सिंह। अच्छा अजीत जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो हाल ही दिन में निगम पार्षद का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है क्या वो दोबारे से आ पाएंगे यहाँ पर, उनके काम आपको सही लग रहे हैं? गाड़ी तो ठीक टाइम पे भेजते, लेकिन झाड़ू पाड़ का कोई सिस्टम नहीं है, पंप हमारा खराब हो जाता है, पंप के 3 दिन तक पानी नहीं मिलता हम लोगों को। अच्छा, तो सर ये पानी की दिक्कत है हमारे को। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो 5 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए, जितने उन्होंने वादे किए थे क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे किए? नहीं, वादे तो पूरे कर नहीं रहे हैं, लेकिन तो गाड़ी टाइम पे भेजते हैं, वहाँ की कोई क्वालिटी नहीं है इनके अंदर। अच्छा, बाकी कोई क्वालिटी नहीं है, अपने समय पर काम नहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन आनी चाहिए यहाँ पर, किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? हम तो आम आदमी को लाएंगे। सर उनके कुछ खास काम जो आपको सही लगे, जो आपने बोला आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए? सब लेडीजों को फ्री सेवा उनके लिए। तो आपने फ्री सेवा के चक्कर में बोला कि आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए? नहीं, सबके लिए साथ हैं वो। अच्छा, वो मौजूद है आदमी। अच्छा, तो उनके काम के चक्कर में आपने फ्री सेवा हो गए, मौजूद रहते हैं, तो इसलिए आपने बोला कि वही आनी चाहिए? वही आएंगे अब। तो सर अब ये बताइए कि वहाँ के जो निगम पार्षद है वो कितने बार यहाँ पर आते हैं, आपकी परेशानियों कितने बार समझ? हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, कभी भी चाहेंगे उनके बुला के फोन करके कह देंगे ये दिक्कत है, वो तुरंत आ जाएंगे हमारे पास, हर समय मौजूद रहते हैं। हाँ, हाँ।
जैसे कि आपने देखा मेरे साथ, इनका कहना था कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो साफ सफाई को ले लो या फिर पानी की सुरक्षा को ले लो, हमेशा वो मौजूद रहते। तो आइए और भी लोगों की राय जानते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि अभी हाल ही दिन में जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, निगम पार्षद का जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो अभी मौजूदा निगम पार्षद है, क्या वो वही आएंगे या फिर कोई दूसरी आएंगे आपकी बार? नहीं, वो तो नहीं आएंगे। कुछ उनके खास कारण जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे? जितने भी हेडपम्प लगे हुए हैं गली में, मोहल्ले में, कोई भी हेडपम्प चालू नहीं है, सब बंद पड़े हैं। बस नाम के लगा रखे उन्होंने हेडपम्प, बाकी और कोई जो यहाँ कोई कार्यकाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो कार्यकाल हो चुका है पहले। अच्छा हाँ जी सर, ये खाली हैंड पंप की ही समस्या है या फिर और भी कोई समस्या? जिस समस्या सीवर वगैरह बंद हो जाती अच्छा, हैं अच्छा। उनके घर जाते हैं वो मिलती ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, रोज नुकल आना परसों आना, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं जब काम होता है। सर ये बताइए, जो यहाँ के निगम पार्षद है वो कितने बार आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास आते हैं, आपकी आपकी राय समझते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर आ करके रैलियाँ करके जाते हैं? वो तो इलेक्शनों में दिखाई दिए थे, उसके बाद में तो कभी साल छः महीने में दिखाई देते हैं बस। अच्छा, तो मतलब कभी भी वो आपसे पूछने भी नहीं आते कि किन किन दिक्कतों का आपका सामना करना? वो नहीं पूछना आते। जब आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? हम उनके पास जाते हैं, कई दिन में वो मिलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में एक पुराने पार्षद हैं उनके पास जाते हैं, वो काम करा देते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि पानी, एक तो आपने बोला पानी की समस्या थी, दूसरा साफ सफाई को लेकर के यहाँ पे क्या क्या काम किए गए हैं? नहीं, साफ सफाई तो सही चल रही है। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक सही से साफ सफाई की जा रही है। तो सर ये बताइए कि अब की बार क्या आपको लगता है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है मौजूदा, वही आ पाएंगे अब की बार? नहीं, वो नहीं आएंगे। आपके मुताबिक कौन आना चाहिए? अब देखेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। नहीं, कोई तो मतलब अगर कोई आती है तो उससे आपके क्या मुद्दे होंगे कि आपके कौन से परेशानियों को वो दूर करे? वो देखेंगे, जो अब जो अच्छा लगेगा, अभी तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं। जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, उसको ही चुनेंगे जो हमें सही लगेगा, हाँ भाई ये काम कर सकता है। जैसे कि आपने देखा, इनका कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, उन्होंने वादे तो काफ़ी किए लेकिन वो वादों को उन्होंने पूरे नहीं किए। इनका कहना है कि जैसे पानी की काफ़ी समस्या है, हालांकि साफ सफाई भी उन्होंने काफ़ी करवाई है, लेकिन मेन जो है पानी की समस्या है। और इनका कहना है कि बस वो वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर एक दिन भी लोगों की समस्या को हल करने नहीं आते हैं। आइए और भी लोगों से राय जानते हैं और भी लोगों की बात सुनते हैं, उनके मुद्दे क्या क्या हैं आपकी बात, आइए जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि अब की बार इलेक्शन को लेकर के इनके क्या क्या मुद्दे हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं? महेंद्र पाल हूँ। हाँ जी, तो सर अब ये बताइए, जो नगर निगम का जो इलेक्शन होने वाला, निगम पार्षद का, तो सर उसमें यहाँ का जो निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? भैया तो नहीं बता सकते सर। क्या उन्होंने जितने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए? नहीं, कुछ खास वजह, कुछ खास कारण जिस कारण जो आपको लग रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किए? इस बारे में नहीं बता सकते हम क्या क्या नहीं किया। ये सब पब्लिक यही बता रही है कि कुछ काम नहीं कर रहे, कभी पूरा साल हो जाता है तो देखने नहीं आता। तो सर ये बताइए कि वो कितने बार यहाँ पर आते हैं आप लोगों की परेशानियों को समझने के लिए? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। जानते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ एक सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या क्या अब की बार के मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर के। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम नरेंद्र कुमार बिल्लू है। अच्छा, तो मैं वार्ड नंबर 9 का सदस्य हूँ। अच्छा, और यहीं पर निवास करता हूँ जी। तो सर ये बताइए कि हाल ही दिनों में जो निगम पार्षद को लेकर के जो चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार का मुद्दा क्या क्या होने वाला है इस चुनाव को लेकर के? सबसे मेन मुद्दा जो है हमारे क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट स्कूल नहीं है एक भी जी। तो सबसे पहले तो मैं नगर निगम से यही डिमांड करूँगा कि भाई एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए गरीब बच्चों के लिए जी। दूसरे नंबर पर क्या है कि हमारे यहाँ पर ना कर्मचारी कम है, उसके सबसे बड़ी बात यह कि जो नगर निगम से रिटायर्ड हो गए हैं सफाई कर्मचारी, तो उनकी जगह नई भर्ती नहीं है, तो जिसकी वजह से समस्या का अभाव बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। सफाई जैसे सफाई नालियों को लेके है,
और सीवर को लेके हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं हो पा रही। अब जैसे डेंगू का प्रकोप चलने वाला है, ठीक है, तो उसकी गंदगी की सफाई के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सफाई चाहिए, सफाई कौन करेगा? कर्मचारी। कर्मचारी में अवेलेबल नहीं है जी। तो सर ये बताइए, जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है, उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? सारे उन्होंने जितने वादे किए थे, सारे उन्होंने अपने वादों को पूरे किया? देखिए, दिक्कतों का सामना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा ना सारे काम निगम पार्षद ही नहीं करते हैं। कुछ हमारी भी अपनी रूपरेखा होती है और खुद हमें भी करनी चाहिए। रही बात निगम पार्षद के द्वारा, देखिए एक नेता हर आदमी को खुश नहीं कर सकता। जी जी। दूसरी बात, जितना बजट आएगा उतना ही वो काम करेंगे। जी। तीसरी बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें निगम पार्षद से क्या चाहिए कि वो क्षेत्र में आए, क्षेत्र की समस्याओं को देखे, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, विधवा पेंशन, ठीक है, बुजुर्ग पेंशन, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके द्वारा बन सकती हैं। लेकिन जब क्षेत्र में वो लोग आएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो सर ये यहाँ पे कभी भी वो आपके यहाँ के निगम पार्षद कभी भी देख रेख के लिए नहीं आते हैं? वो क्या है कि जब चुनाव होता है ना, उसी टाइम पे ही उसी दौरान कुछ लोग आते हैं। जी, जी। क्योंकि उनको वोट दिखानी होती है, अपने चेहरे दिखाने होते हैं, उसके बाद तो कौन आ रहा है? सर 5 साल का लंबा पीरियड होता है जी। तो वो तो कभी कभार ही जो आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आ पाते। और सर जो भी आपकी कोई परेशानी होती है, फिर वो परेशानी कैसे आप उनके ऑफिस में जाकर के उनसे उनको परेशानी को देते हैं? 90% तो क्या होता है कि हम जैसे पार्षद से कॉन्टेक्ट करते हैं जी, तो वो यस तो कर देते हैं लेकिन हो नहीं पाती है इतनी जल्दी। तो उसके लिए फिर हमें अपने विभागीय, जैसे मान ली लाइट की समस्या है, सीवर की समस्या है, तो हमने उनके खुद ही कॉन्टैक्ट नंबर लिए हुए हैं। अच्छा। तो उनको डायरेक्टली हम कॉल करते हैं, उनके द्वारा करा लेते हैं जी। और सर जैसे सरकार की तरफ जितने योजनाएं अगर निकलती हैं, तो क्या आपको यहाँ का जो निगम पार्षद सारे योजनाएं से अवेयर करवाते हैं, सब चीज़ के बारे में बताते हैं आपको कि ये ऐसे ऐसे आया है? नहीं नहीं, इस तरह की कोई योजनाओं के बारे में अवगत नहीं कराते हैं वो लोग। जो यहाँ के कुछ सामाजिक लोग हैं वो ही उन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं जी। जैसे मान लिया किसी की पेंशन बननी है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो सरकार द्वारा जो उनको 50,000-25,000 रुपये जो मिलते हैं, तो वो लोग आपस में वही करा लेते हैं। सिर्फ उनसे तो वेरीफाई कराने के लिए जाते हैं कि हम क्षेत्र के निवासी हैं, आप इसको वेरीफाई करा के दे दें। तो सर ये बताइए कि आप उनके काम से संतुष्ट हैं, जितने भी उन्होंने काम किए हैं अभी तक? देखिए, संतुष्ट तो इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जितना बजट आता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अच्छा। रही बात काम करने की ना करने की, देखिए मैं आपको अवगत करा दूँ, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है क्षेत्र, इसमें करीब 6 सालों से अभी तक रोड नहीं बना। मतलब ये जो रोड है, आप यदि पीछे देखेंगे आप तो बिल्कुल गलियां ख़राब हुई पड़ी हैं और पानी भी ख़राब है, पीने का पानी भी ख़राब है। बाहर जो है इतने बड़े एरिया के लिए जो है करीब जो है 2.5 लाख की आबादी है, जिसमें सुबह के टाइम में पानी भी नहीं आ पाता है, पानी आता है तो गंदा आता है। तो एक ही ट्यूबवेल लगी हुई है, उसकी वजह से बड़ी समस्या है। निगम को बार बार अवगत कराते हैं, वो कहते हैं बजट नहीं है अभी। तो इस बारे में कई बार पार्षद जी को भी बताया हुआ है, तो उसके बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारी जो है ना पाइपलाइन जो है वो सीवर से भी टच हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। तो सर ये बताइए, कि जो अभी जो मौजूदा निगम पार्षद है, अब इनमें कुछ बदलाव चाहेंगे या फिर अब चाहेंगे कि अब की बार भी यही आए, या अब इससे चेंज चाहेंगे कोई दूसरी आए? देखिए, इस बार सुनने में आया है कि हमारे क्षेत्र की महिला सीट हो चुकी है, तो ऑटोमेटिक वो तो चेंजिंग होगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बदलाव होगा तो कुछ नया ही होगा। अच्छा, तो सर जो नए आएंगे, क्या आपको उम्मीद है कि जितने भी आप लोगों की परेशानी, जो जो मुद्दे हैं, वो आपके सारे मुद्दों को दूर करेंगे, आपके सारे परेशानियों को हल करेंगे वो? देखिए मैम, सारे मुद्दों को तो कोई भी हल नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही क्या है कि हम लोग जो अपनी बात को कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो हम तो यही चाहेंगे आने वाले पार्षद से, जो भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि बने, तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करे। अच्छा। जैसे कि आपने देखा, हमने सर की राय जानी, इनका कहना है कि अब जो भी अब की बार जो भी निगम पार्षद आए, बस वो लोगों की परेशानियों का हल करे, लोगों की जो जो परेशानी है वो सारी सॉल्व करे, और भी लोगों से जानते हैं और भी लोगों की राय लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ही अम्मा जी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी अम्मा जी, अपना नाम बता सकते हैं आप? शकुंतला। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है नगर निगम का, जो यहाँ के निगम पार्षद है मौजूदा, उनके काम में कुछ आपको कमी लगी हो कि ये काम करना चाहिए आपके मुताबिक, उन्होंने वो काम नहीं किया हो? काम क्या हो, हमने तो उसकी शिकल आज तक ना देखी, वो कभी भी नहीं आते यहाँ पर। शिकल का आओ,
अच्छा। हाँ हमने शिकल नहीं देखी, वो आएगा तो जब हमारे सामने हमने उसकी शिकल ही ना देखी तो वो हमारा करेगा का उधर की गली पड़ी इधर की गली पड़ी। बालक इनकी इतने बड़े बड़े इनकी बराबर ये नाले खुदवा दिए और इनकी हासिल कुछ भी ना, बालक गिर पड़ता है ऐसा पावे भी ना इतनी अच्छा। है और सगली ऐसी हो रही है गंदी हुई पड़ी। आप एक बार राउंड लगा के देखो, एक बार राउंड लगा के देखो सारे में गारा हुई पड़ी है। वो आएगी जमादानी नू झाँक झाँक के चली जा। हाँ मैं गलत कह रही हूँ, झाँक झाँक के चली जा। कोई कवारा लिखाड़ी नहीं, नहीं कोई सकेर नहीं तो उनका क्या फर्ज है? जब तनख्वाह लेती हैं तो उनका करने का फर्ज नहीं है? मतलब बस वो वोट मांगने के लिए आते हैं और वैसे कभी देखने के लिए कुछ नहीं आते? कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे क्षेत्र में हमारे बहुत सारी बुजुर्ग महिला हैं तो हम चाहें तो इनकी सेवा के लिए हम इनका एक कैंप लगा सकते हैं। कैंप में जो है इनकी वोटर हम इनकी जैसे वोट कटी हुई हैं तो इनकी वोट बनवा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी बहुत सारी, आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनके लिए जो है सिलाई कढ़ाई के बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो स्कीम तो बहुत सारी हैं लेकिन वो पार्षद के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही हमको पता चल सकती है। तो मतलब जिसमें अवगत नहीं कराते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अब जैसे मान लिया अभी एक स्कीम चल रही है कि रोजगार मेला, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से रोजगार मेला चल रहा है, उसमें 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक की सैलरी का आपको रोजगार मिल सकता है। यदि वो लोग चाहें तो हम जैसे कि नौजवान बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं तो इनको चाहें तो इनको आगे गाइड कर सकते हैं और इनको रोजगार मिल सकता है। यदि 50 दिन ट्रेनिंग लेंगे तो कम से कम 10 जनों को तो रोजगार मिलेगा। तो इस तरह की जो पॉलिसी आती है वो सब उनके पास ही आती है लेकिन क्या है कि वो लोग आते नहीं हैं। रही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया, माँ जी कह रही थी कि अभी सफाई नहीं होती, ये बिल्कुल रियलिटी है क्योंकि अभी जो है ना बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा चल रहा है। भारत सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, सर्वेक्षण चल रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर्वेक्षण सिर्फ किताबों में चल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा। और कुछ नहीं है क्योंकि मैं भी बाहर रोड पे देखता हूँ बहुत बड़ी टीम आती है, जिस दिन टीम आती है उसी दिन वर्क होता है, बस बाकी और किसी दिन नहीं होता। जैसे कि आपने देखा मेरे साथ कि यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ की जो निगम पार्षद है वो सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस वो हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगने आते हैं। तो ऐसे भी ऐसे ही और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों की राय जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ ये सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बता सकते हैं? अजय नाम है मेरा। अजय। अच्छा अजय जी, ये बताइए जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है निगम पार्षद का, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी, कौन जीत सकता है? देखो जी, सरकार तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगी, उससे पहले तो पता ना लगे। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जो काम करवाया था इसमें गजराज ने करवाया था। अच्छा। हाँ, वो अब पता ना आवे ना आवे वो तो वाला बात अलग है। लेकिन यहाँ के जो गटर है इतने इतने से गटर हैं, छोटे छोटे थे, इनमें क्या लेटरिन जा रही है बताओ? है ये रोज की रोज अटक जा, इनकी परेशानी हो रही है सबसे। अच्छा, जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? उन्होंने जितने भी वादे किए थे कि 5 साल के अंदर हम ये करवाएंगे ये करवाएंगे, कोई वादा वादा नहीं है। ये रोड हमारे बिल्कुल बना नहीं अब तक। अच्छा। बना है? अच्छा। ये नहीं बना, ये नहीं। और जो करता उसके उसमें के आना हूँ। अम्मा जी आपका नाम क्या है? विमला। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि यहाँ की यहाँ पे जो निगम पार्षद है उन्होंने सारे काम सही किए हैं जितने उन्हें करना चाहिए? अरे ना करे ना कुछ, हमने तो शिकल में देखी। कुछ खास काम जो आपको नहीं सही लगे जो उन्होंने कुछ किए नहीं है? ना हमें कुछ ना सही लगे कुछ भी। उन्होंने पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के कुछ ना करो ना यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसे कुछ काम बताइए जो आपको काम सही नहीं लगे, जो आप कह रहे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो उसे कुछ करें ना तो कैसे बताऊँ, नाली सब पड़े गंदी। अच्छा, कुछ भी नहीं किया 5 सालों के? हाँ 5 सालों कुछ। तो आपको अब की बार लगता है कि अब की बार वो आ सकते हैं? ना आपका आवे ना आने को, आओ या ना हो हमें इस बात से कोई जरूरत नहीं है। बाकी हमारा काम भी यहाँ जरूर होना चाहिए। अच्छा। हम कोई जानवर नहीं है या कोई गधा घोड़ा नहीं है, इंसान है, हमें भी हमारी सहूलियत चाहिए। यू कौन कह देगा यू शहर है, यू शहर है, यू गांव से भी परे गांव हो रहा है, सगली गंदहीन पना हो रहा है, यू नाली गंदी पड़ी, सड़क फूटी पड़ी है। हमसे वालन की हमने कई बार कई मन की भाई हमारे कुछ पैसा बंधवा दो सरकार से,
कोई कार्रवाई नहीं। तो वो जो सरकार की जितने भी योजनाएं निकलती है तो उस योजना से आप लोगों को अवगत नहीं करवाते हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ बस अपना भरा चाहिए या कोई उनकी उसके जोट के उनकी सुने, हमसे वाले की कोई ना सुनता। अच्छा। दे यू विधवा और यू वैसे भी शरीर सभी बेकार, हम बेकार शरीर से, हम चार पैसा हमें मिल लेना चाहिए हैं जो हम अपने पेट में गेर लें। बताओ औलाद कहाँ तक भरना भरेगी हमारा, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मेन लोगों की मुद्दा एक ही है कि इनका यही कहना है कि यहाँ की जो निगम पार्षद है वो कभी भी नहीं आते, बस वोट मांगने के लिए आते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ ये महिला मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? सिम्मी दीपक कुमार। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी कुछ ही दिनों में निगम पार्षद का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अब की बार जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है वो वही आ पाएंगे या फिर उनके अलावा कोई बदलाव? देखिए मैम, कोई भी आए हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें काम से मतलब है। क्योंकि क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे गली मोहल्ले में और भी जगह पे साफ़ सफाई पूरी तरीके से रखी जाए, जिससे कि किसी के बच्चे बीमार ना पड़े। और ये देखिए आप, कल ये सीवर वाले साफ करके गए, कल से ये यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, इससे क्या बीमारियाँ नहीं फैलती हैं कि? तो मैम ये बताइए, जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद है, क्या उन्होंने काम सही से नहीं किया जो आप कह रहे हैं कि? क्योंकि यहाँ की नालियाँ तक तो साफ होती अच्छा, नहीं है, झाड़ू तक तो यहाँ पे टाइम पे लगती नहीं है। क्या वो तो आती हैं आके बैठ जाती हैं यहाँ पे झाड़ू रख के कि हमारी तो ड्यूटी पूरी होगी, हर रजिस्टर में सिर्फ हाजिरी चढ़ने से मतलब है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ ये मैम मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? सिम्मी। अच्छा, तो आप ये बताइए जो यहाँ के जो निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? उन्होंने जितने भी वादे किए थे उन्होंने सारे वादों को अपने पूरे किए? कुछ भी पूरा नहीं करा है। कुछ क्या वो खास वजह आपको लगी जो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए? कौन से वो काम आपको सही नहीं लगे जो आपने कहा कि वो काम आपको सही नहीं लगे? सड़कें कल भी ऐसी थी, नालियाँ आज भी ऐसी हैं, जो जैसी नालियाँ कल थी ऐसी आज है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं, कुछ भी सुधार नहीं है। नालियाँ तो जहाँ पे वो एक इंच नीची थी तो वो नीचे की नीचे, कम से कम थोड़ी थोड़ी ऊंची भी करवाई जा सकती हैं। कोई अगर नगर निगम वाले कूड़ा निकाल कर सीवर खाली करके गए, वो सीवर दोबारा से वो मतलब गंदगी उठाई नहीं जाती है। राशन मिल रहा है तो राशन में भी 2 किलो राशन वाले राशन 2 किलो काट के दे रहे हैं, 1 किलो है आदमी, मगर क्या कहते किसी चीज़ की हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे किसी को वोट दे के? 5 सालों के अंदर उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। आप यहाँ से वहाँ तक की वीडियो बना चेक कर लीजिए, पूरी सड़क देख लीजिए पूरे सिब्बनपुरे की। अच्छा। हमें तो कुछ भी चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही। तो मैम साफ सफाई को लेकर के थोड़ा बता सकते हैं क्या पहले था, क्या अब है, इन 5 सालों के अंदर क्या बदलाव है या फिर पहले जैसा ही सब? हमें तो जो भी काम मिला है हमें सिर्फ गजराज जी से बढ़िया मिला था, जो अच्छा। जो पहले यहाँ के वो थे, इनसे पहले जो थे और जो अभी संदीप तोमर जी आए हुए, इनसे हमें कोई भी चेंजिंग नहीं मिली है। जो भी बस वो फॉर्मेलिटी के लिए ही आए थे 4-5 दिन के लिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर होता कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें वोटों से मतलब बस। अच्छा, वो उधर देख रहे हैं। फिर तो अब वो एक कभी भी यहाँ पर नहीं आए, उसके बाद में उनका कोई राउंड नहीं लगा यहाँ। अच्छा मैम ये बताइए, अगर जो इनसे पहले जो पार्षद थे यहाँ पर वो अगर अब की बार के पार्षद ये दोनों ही इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किनको वोट देंगे, कौन यहाँ पर जीत सकता है, कौन यहाँ पर सुधार कर सकता है? दोबारा से खड़े होते हैं तो हमारी वोट उनको ही जाएगी। आपको पूरा यकीन है कि आपके जितने भी मुद्दे हैं जितने भी परेशानी है सारी परेशानी को हल करेंगे वो करते हैं? अच्छा, सबको वो देखेंगे। हाँ, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ, इनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने 5 सालों के अंदर कुछ बदलाव नहीं किया, जैसी गलियाँ पहले थी 5 साल पहले वही गलियाँ अभी भी है, जैसी सड़कें 5 साल पहले थी वैसी ही सड़कें अभी भी है। इनका कहना है कि अब की बार का जो मौजूदा निगम पार्षद है इसमें बदलाव किया जाए। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों की राय और बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक मैम मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं इनको। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, तो मैम आप ये बताइए आप कहाँ पर रहते हैं? हम यहीं पर रहते हैं सिब्बनपुरे में। अच्छा, तो मैम ये बताइए जो हाल ही दिनों में जो निगम पार्षद का इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें जो यहाँ के जो निगम पार्षद है तो उनके कार्यकाल में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वो आज तक भी आकर नहीं झाँका।
पाँच सालों के अंदर कभी नहीं? कभी नहीं आया। अच्छा, बस वोट मांगने आते हैं इसका मतलब? हाँ, वोट मांगने आते हैं जी। और अब हम वोट देंगे नहीं जब तक ये सड़क नहीं सही बनेगी। कुछ खास वजह की आते नहीं है या फिर उन्होंने काम ही कुछ नहीं? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। घर जाओ उसके रात शाम को तो पी के पड़ा रहेगा। अच्छा, और कभी मिलता ही ना है जी, यहाँ रहता हूँ पटेल नगर में। तो उन्होंने जैसे सफाई को ले लेते हैं, सफाई को लेकर उन्होंने क्या क्या काम किया? कभी कुछ नहीं किया, कुछ भी आज तक नहीं आए यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी पार्टी की सरकार आए, कौन आकर के यहाँ पर हर चीज कर सकते हैं आपके मुताबिक? क्या पता है वे किसकी आएगी। अच्छा, मतलब आप क्या क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं किसके आने से जो आपकी परेशानियों को हल करे? ये चाहते हैं, एक तो पानी सही आना चाहिए, ये गटर भरे पड़े हैं, गंदा पानी आवेगा। बताओ पानी यहाँ पे टाइमिंग से आता है? पानी तो ठीक है। अच्छा, सुबह शाम को पर पानी में कीड़े आ जाते हैं। लैट्रिन का पानी आता है बेटा यहाँ पे? हाँ। कब कब आता है ये तो जब मर्जी आ जावे, महीने में एक आध दफा चांस आ जाए। इसको लेकर के आपने कभी निगम पार्षद के ऑफिस में जाकर के कभी उसकी खुदाई भी करवा रखी है? इसको लेकर के उन्होंने कुछ एक्शन लिया? कुछ भी नहीं लेते, कभी भी नहीं। अच्छा, तो मैम ये बताइए, तो उन्होंने इसका मतलब पाँच सालों के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया? उन्होंने बिल्कुल नहीं करा, वो तो सबसे बेकार आदमी लिख रहा है यहाँ का जो पार्षद। अच्छा, तो ये बताइए कि काफी लोगों का कहना है कि इससे पहले वाले जो पार्षद थे उन्होंने काफी सुधार किया? उन्होंने करा था। अच्छा, हाँ उन्होंने करा था, पर इनने कुछ कभी आके नहीं देखा इसने जी। तो ना देखो, विधवा है, गरीब है, जैसे मेरे औलाद नहीं है, आदमी नहीं है, मैं कहाँ से खाऊं? कभी उन्हें पेंशन की भी नहीं सोची किसी की। तो जितने भी सरकार के योजनाएं निकलते हैं उस योजना से आपको कभी उन्होंने अवगत भी नहीं कराया? नहीं, कभी भी नहीं। संदीप नाम है उसका, संदीप। अच्छा, पटेल नगर में रहता हूँ। जी जी जी। इतनी देर फोन भी कर लिया। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो ना ही तो पाँच साल के अंदर कभी देखने आए हैं, ना ही उन्होंने पाँच साल के अंदर कुछ बदलाव किया है। ऐसे ही और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों की राय जानेंगे। पहले वाला ये बताइए मैम, जो इससे पहले जो वाले जो पार्षद थे उन्होंने सारे काम सही करे थे? अच्छा, तो अगर जो वो भी अब की बार यहाँ पे चुनाव में खड़े होते तो आप उसे ही देंगे? अच्छा, हम उसे ही जिताएंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि जितने भी आपकी परेशानी है पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, सड़क में तैयार रहते हैं, सुख दुख में हमेशा रहते हैं, कभी भी उनको याद में कोई बात हो जाए रहता है? गजराज है, गजराज जी। नाम क्या उनका? कुछ उनके खास काम आपको अच्छे लगे जो आपने बोला कि वो अब की बार भी वही आए? वही आने चाहिए हमारे। कुछ खास काम उन्होंने क्या? सारे काम सही करे। बच्चा भी चला जाता था ना तो वो तुरंत आते थे। हाँ, बच्चा चला जाता मतलब उस पार्षद का पास, नेता का पास, जो भी कोई बच्चा भी गया है ना तो वो तुरंत आते थे, तुरंत सुनवाई करते थे। और इसके पास पूरी वो अभी चली जाए ना पलटन भी तो भी बाहर नहीं निकलते घर में से। अच्छा, मतलब कभी भी नहीं आए? जितने बार भी आए जब से वोट डले हैं या इलेक्शन हुए कभी भी नहीं आते हैं वो। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यही नहीं पता हमारी गली कौन सी है? तो ये बताइए कि आप उनके पास कितने बार जा चुके हैं? कई बार जा चुके हैं, दसियों बार जा चुके हैं जब से वोट डले हैं। अपने मुद्दे को लेकर, अपनी परेशानी? हाँ, अपनी परेशानी इनको लेकर। अच्छा, तो सरकार की जितने भी योजनाएं निकलती है उस योजना से आपको कभी भी उन्होंने अवगत भी नहीं कराया? नहीं, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मेरा कैंसिल हो गया राशन कार्ड। मैं लेटर लिखवाने भी गई तो भी नहीं लिख कर दिया उस पार्षद ने। तो उन्होंने पाँच साल में इसका मतलब कुछ भी बदलाव नहीं किया है? और नाम के ही है खाली पार्षद? हाँ, नाम के ही है, पाँच छह साल हो रहे मेरा राशन कार्ड कैंसिल पड़ा। अच्छा, लेकिन मुझे राशन ही नहीं मिलता, मोल खा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो अब की बार जो पार्षद आए यहाँ के, जो नए पार्षद बने, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या क्या आप लोगों के लिए काम करे, आपकी सुनवाई करे? हमारा जो काम करेगा वही हमारा पार्षद होगा जो सही रहेगा हमसे। अच्छा, हाँ आइए जानते हैं और भी लोगों की राय कि इस निगम पार्षद को लेकर के क्या क्या उनके मुद्दे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि इनको निगम पार्षद के कार्यकाल में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम शकुंतला है जी, गली नंबर 3 है, गुड्डा वाली गली। जी जी जी। हमारी समस्या है अपनी गली से रिलेटेड जी, कुछ समस्या को आप बता सकते हैं?
हमारे जो गटर हैं ये सब चूहों ने खा रखे हैं, लैट्रिन बाहर निकलती है और गली को कितनी बार हम पार्षद के पास पहुंचे, पार्षद ने एक बार भी आकर ये नहीं देखा कि गली कैसी है। जब आप लाइट सारी खराब है जी, तो पार्षद का फायदा क्या फिर? मतलब जब आप अपनी शिकायत को लेकर के जाते हैं तो वो इस पे कोई सुनवाई नहीं करते कभी? कितनी बार चले गए जी, कितनी बार जी कोई आकर देखता भी है कहीं? चले जाएंगे बस। अच्छा, बस वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए? बस बस यही मुद्दा इनका। तो आप बताइए कि, हाँ जी, मैं अपना नाम बता सकते हैं? नानकी देवी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 साल में क्या क्या सुधार किए हैं यहाँ पर? 5 साल में कुछ भी ना करा है, हमारी गली में तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी बदला। जो इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने ही जो किया है वो पहले ही किया। अच्छा, ना हुआ तो इन्होंने कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ वो काम बता सकते जो काम इन्होंने नहीं किए जो आप करना चाहिए था इनको? ये गली है, नाली सारी बेकार होने, सड़क है सारी बेकार हो रही है, सीवर है ये सारी बेकार हो रही है। अब बताओ तो देख सकते हैं? हाँ जी, मैं अपना नाम बता सकती हूँ? मैम, मेरा नाम दीपिका है। अच्छा मैम, कहाँ पे रहते हैं आप? यही रहते हैं, सिबनपुर में। तो मैम आप ये बताइए जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पानी भी गंदा आता है यहाँ का। और कुछ खास मुद्दे? खास तो यही है यहाँ की लाइटें हैं, अरे ये गटर है, नाली वगैरह ये भरी रहती है जी, बस, और गली है। तो ये बताइए कि 5 सालों के अंदर वो कितने बार आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं? एक बार भी नहीं आए हैं, जब भी जाते हैं मिलते ही नहीं है वे। तो आप उनके ऑफिस में जाते हैं समस्याओं को लेकर के? ऑफिस में भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, मिलते ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए जो समस्या है, जितने भी बदलाव किए गए थे वो इनसे पहले वाले जो निगम पार्षद थे उन्होंने किए थे? इन्होंने तो काफी सुनने को मिले, तो कुछ किया ही पहले वाले ने करा था, इन्होंने नहीं करा। इनके मुताबिक उन्होंने काफी कुछ किया था, बहुत कुछ किया था गजराज जी ने। अच्छा अच्छा, तो मैम आप ये बताइए कि अगर अब की बार चुनाव में वो खड़े होते हैं जो इनसे पहले वाले निगम पार्षद थे तो आपको पूरा उम्मीद है कि वो अच्छा काम कर पाएंगे अगर वो जीतते हैं तो? देखो करते तो ऐसे ही। देखो गजराज ने ट्वेल लगवाई, हम बताएंगे जी, गजराज ने गली गली में भी घूमते हैं और जितने भी पानी की सुविधा है ट्वेल सब गजराज जी ने करवाया। इससे उससे नीचे दूसरे वाले आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, नहीं इन्होंने किया। अच्छा, सीधी सी बात है। तो आप, हाँ, तो अगर जो आपकी बार चुनाव में अगर कोई भी पार्टी के विजय है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको उनसे क्या आपकी मांगे रहेगी, क्या आपके मुद्दे रहेंगे उनको लेकर के? क्या आपकी क्या ही सफाई का मुद्दा रहेगा या फिर ये पानी साफ आने का? सारी समस्या यही है, सबसे पहले साफ सफाई हो हमारी गली में, गली बननी चाहिए, जो गटर ये फुटे पड़े हैं ये ठीक होने चाहिए, और लाइटें लगनी चाहिए, तो और क्या चाहिए? अच्छा, पार्षद से यही तो मांगा जाएगा, और हमारा घर थोड़ी बनवा के जाएगा वो। जैसे कि आप सभी ने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता की क्या क्या परेशानी है निगम पार्षद को लेकर के, यहाँ की जनता की मांगे है कि यहाँ पे ना तो पानी साफ आता है, ना ही यहाँ की नालियों को साफ किया जाता है। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है 5 सालों के अंदर ना तो एक बार भी यहाँ पे देखने के लिए आई है कि यहाँ पर क्या क्या सुधार किया गया। इनका कहना है कि जब ये लोग जाते हैं अपनी मांग को लेकर के वो अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं। ऐसे ही और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों की राय जानेंगे कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं अब की बार पार्षद को लेकर के, क्या क्या उनकी राय है निगम पार्षद को लेकर के। खैर, ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7।